नमस्ते मित्रों, आज बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की 9वीं विधि के बारे में। पिछली 8 विधियों के बारे में आप सभी ने बहुत ध्यान किया है और आज 9वीं विधि पर हम चर्चा करेंगे। 9वीं विधि भी बहुत ही आसान है और इसमें कोई भी आपको फिजिकल एफर्ट्स नहीं करने हैं। तो 9वीं विधि में शिव बोलते हैं कि मृत की तरह से लेट जाओ या फिर स्टेयर करो, घूरो एक जगह पर किसी चीज को। ये विधि इससे संबंधित है। तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को इस विधि से फायदा हुआ है। पहले जो सबसे बड़ा नाम है वो है रमन महर्षि का। उनको जो फायदा हुआ है इस विधि से वो सभी को पता है जो अध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रमन महर्षि को जब पहली बार लगा कि वो मरने वाले हैं और उनकी मृत्यु हो रही है, तो उन्होंने अपने शरीर के अंदर ये जो घटना है उसको जानने का प्रयास किया, क्योंकि उनको ये डर पैदा हो गया उनके अंदर कि वो मरने वाले हैं। तो इसी तरह से विधि बोलती है कि मृत की तरह से लेट जाओ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेट जाना है और लेटने के बाद में तुम्हारा शरीर कुछ भी उसके अंदर हरकत नहीं करनी है, जो भी हो रहा है उसको देखना है। मान लीजिए अगर इस दौरान आपके शरीर पर कोई मच्छर आकर काटता है या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है बाहर की तरफ, तो उस सभी से मुंह मोड़ लेना है, आपने उस पर ध्यान नहीं देना है और ये तो पूरी तरह से मान लेना है कि शरीर जो है वो पूर्ण रूप से मर चुका है। तो इससे बहुत सारी घटना हुई होंगी आपके अंदर। जैसे कि पहली घटना तो ये होगी, आप बाहर के संसार से पूरी तरह से कट जाएंगे, क्योंकि शरीर जो कई तरह से इंद्रियों के तौर पर कार्य कर रहा था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको बाहर की जो कनेक्टिविटी है उससे आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही होगा। हो सकता है इस विधि से आपको पहले दिन में ही फर्क पड़ जाए या हो सकता है कुछ समय में फर्क पड़े, तो आपको करनी पड़ेगी ये विधि कंटिन्यूसली, कुछ दिन लगातार आप इसको कुछ दिन करेंगे। तो आपको लेट जाना है, लेटने के बाद में मृत की तरह से शरीर को कर देना है और जो भी घटना अंदर होती है उसको आपने परखना है, उसकी तरफ ध्यान लगाना है। बाहर की तरफ हो सकता है आपको बहुत सारे परिवर्तन हो, मच्छर काटे, बाहर से आवाजें सुनाई दें, तो आपने पूरी तरह से उस स्थिति से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना है। इसी विधि का दूसरा भाग कहता है कि किसी एक बिंदु को घूरो। और इस विधि से भी अगर आपने मेहर बाबा का नाम सुना है तो मेहर बाबा को बहुत फायदा हुआ और बहुत वर्षों तक उन्होंने इसी एक चीज पर ध्यान लगाया कि वो लेट जाते थे और वो सारी रात अपनी छत को देखते रहते थे, एक ही जगह पर घूरते रहते थे। तो मेहर बाबा ने बहुत वर्षों तक इस विधि का अभ्यास किया और मेहर बाबा को भी इस विधि से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो जो मेहर बाबा का आश्रम है वो है मेहराबाद नाम से एक जगह है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप वहाँ पर जाना चाहें, पुणे के पास में ये जगह है और महाराष्ट्र के अंदर ये एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर अगर आप ध्यान करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत ही कम उन लोगों का प्राइसेस रहता है वहाँ पर रहने का, वहाँ पर आप ध्यान कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर रमन महर्षि के बारे में आपने जानना है, ध्यान करना है, वो भी आप कर सकते हैं। वो तिरुवन्नामलाई चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम स्थित है, अरुणाचल पर्वत के तली में ये आश्रम स्थित है। तो वहाँ पर जाकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 9वीं विधि आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें आपको लेट जाना है एक मृत की तरह से और अपने शरीर के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको ऑब्जर्व करना है। बाहर की तरह से आपने अपने शरीर को डिस्कनेक्ट कर देना है, ये समझ ले। भूख लग रही है तो भूख को आपने इग्नोर कर देना है कि शरीर को भूख, क्योंकि शरीर मर चुका है। तो शरीर की जितनी भी फीलिंग्स हैं, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, वो सबको आपने भूल जाना है और केवल आपने अपने जो भीतर की घटना है उस पर ध्यान देना है। शरीर तो मृत हो गया आपका, ये सोच लेना है आपको। तो इसी तरह से पहला जो चरण है वो मृत की तरह से और दूसरा चरण आप इसी विधि में कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ को
लेटे लेटे मृत की तरह से देखते रहें, एक ही जगह पर घूरते रहें। तो पहले चरण में तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, दूसरे चरण में आप चाहें तो आंखें खोल के किसी एक वस्तु को आप मृत हो जाएं और मृत होने के बाद में आप उस एक चीज़ को घूरते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये नौवीं विधि भी बहुत आसान है, आप इसको करेंगे, इसका लगातार प्रयास करेंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न या सुझाव रहता है वो आप ज़रूर करें। आपको घबराना नहीं है कि आप कई बार लोग सोचते हैं कि मृत की तरह से शरीर मरना है, ये शरीर तो एक नाशवान है, इसका आपने नहीं सोचना ज़्यादा कि मरेगा या नहीं, ये तो मरा ही हुआ है, ये आप छोड़ दीजिए कि इसको मरना है या इसका कुछ ऐसा होगा। फिर भी आपका कुछ प्रश्न, शंका या डर रहता है वो जरूर आप करें। नमस्ते।